हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल YKNIP इंटरनेशनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं YKNIP इंटरनेशनल क्या है, मैं आपको, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। YKNIP इंटरनेशनल की कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि आपको ई कॉमर्स की सर्विस को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ई कॉमर्स में आपको बहुत सारा नॉलेज भी प्रदान कर रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी रही है और बहुत कुछ नया सिखाती भी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी तक जितनी वीडियोज़ बनाते आ रहे हैं, वो अभी फिलहाल हम शॉपी पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो हम शॉपी के रिगार्डिंग ही सारी वीडियोज अभी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी अपने अगर चैनल पे आए हुए हो, अगर हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि हम शॉपी के रिगार्डिंग सारी वीडियोज लेके आ रहे हैं। फिलहाल आने वाले टाइम में बाकी सभी कंपनीज के लिए भी लेके आएंगे, अभी जैसे कि शॉपी नया आया है सभी के लिए, तो इसलिए हम सबसे पहले उसी को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो अभी ये वीडियो है, इस वीडियो में भी हम शॉपी के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो किसके बारे में सीखने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कंटेंट क्या। आज का जो कंटेंट है वो है शॉपी पे जितने भी सेलर्स हैं हमारे, जितने भी सप्लायर्स हैं, जो भी दो तीन महीने पहले लॉन्च हुई थी हमारे कंपनी शॉपी, उस पर हमारे जितने भी सप्लायर्स, जितने भी सेलर्स हैं, उस सभी सप्लायर्स को मंथ एंड में GST को फाइल करना होता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो, तो 1 से 30 तक आपने जो भी सेल किया वो आपको कोरमन डेटाबेस में फाइल करना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं GST फाइल करना, ठीक है। तो GST फाइल करने के लिए आपके पास डेटा भी होना चाहिए, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या पेटीएम, जिस पे भी आप काम करते हो उन सभी से निकालते हो। तो ठीक, ऐसे ही अगर आप शॉपी पे भी सप्लायर है, शॉपी पे भी सेलर है, तो आपको यहाँ से भी डेटा चाहिए। तो आज ये वीडियो हमारी उसी के रिगार्डिंग होने वाली है, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि आप GST रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो गाइस, मैं हूँ शुभम और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि शॉपी की GST रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शॉपी की GST रिपोर्ट के लिए आपको पोर्टल लॉगिन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर मुझे कैसे शॉपी की रिपोर्ट मिलेगी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगी। शॉपी क्या करता है, एवरी मंथ 10th या 9th या फिर 11th को, वैसे 11th से पहले ही आपको आपका डेटा मिल जाएगा, 9th, 10th, 11th, इन्हीं तीन डेट में, हो सकता है इससे पहले भी आपको प्रोवाइड कर दे। आपकी जो रजिस्टर्ड मेल ID है शॉपी के पास, जिससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, सप्लायर अकाउंट, सेलर अकाउंट, जिस जो भी मेल आईडी आपने वहाँ पर रजिस्टर कर रखे, उसी मेल आईडी पे आपका कंप्लीट डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरह की मेल हमें प्रोवाइड करते हैं और उस मेल में हमें डेटा क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ब्यौरा बताऊँ कि उसमें जो GST का डाटा है वो आपको मिलेगा, सेल्स रिपोर्ट, और जितने भी इनवॉइसेस रहेंगे वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जो भी रहेगा, वो सब उसी में आपको उसी मेल के अंदर अटैच होकर मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो जो वीडियो रहेगी हमारी वो बिल्कुल लाइव रहेगी, और हमारे पास जो मेल आई कंपनी से, जो हमारे पास डेटा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो गाइज, आप वीडियो तक बने रहना, कंप्लीट देखना। चलिए चलते स्क्रीन की तरफ और मिलते हैं स्क्रीन के बाद। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप टैक्स रिपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं शॉपी की, ठीक है। अगर आप सप्लायर है तो आपको टैक्स रिपोर्ट की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको GST फाइल करनी होती है हर महीने, तो वो आप टैक्स रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह आपको पोर्टल पे यहाँ पे इसकी टैक्स रिपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो शॉपी की टीम जो क्या करती है, वो हर महीने की 10 या 11 तारीख को, 9, 10 या 11, इन तीन ही डेट में आपको हर महीने की 9, 10, 11 तारीख को आपकी मेल पे आपका डेटा प्रोवाइड कर देती है। तो आपका जो भी टैक्स का डेटा है वो आपको आपके मेल पे मिल गया होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं मिला तो आप चेक कर सकते हो। मुझे क्या डेटा मिला मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो, मुझे ये जो मेल मिली है, मुझे ये मेल मिली थी 9 दिसंबर को 10:53 के रात को, ठीक है। तो ये जो इसमें आप देख भी सकते हैं FWD, ये एक्चुअली मेरी दूसरी मेल पे आई थी, ये दूसरी मेल पे मैंने फॉरवर्ड किया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं TCS टैक्स रिपोर्ट फॉर शॉपी ट्रांजेक्शन November 2021, इसमें डेट भी लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है, कौन से महीने की टैक्स इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है गाइज। तो हम चलते हैं नीचे, इन्होंने कुछ इसमें लिखा हुआ भी है कि ये आपकी जो रिपोर्ट्स है उसमें आपके इनवॉइस और क्रेडिट नोट्स और नवंबर महीने की सारी GST और फाइलिंग्स के लिए जो जो आपको चाहिए वो सब चीज़ है, ठीक है। इन्होंने इसमें दो चीज़ की अटैचमेंट हमें दी, एक CSV की फाइल, एक XLSX समरी फाइल, ठीक है। समरी फाइल में आपका क्या होगा, समरी फाइल में एज ए सेल्स रिपोर्ट आपकी होती है समरी फाइल। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि उसमें मतलब जो आपका यहाँ से ऊपर ऑर्डर गया, जितने भी आपके यहाँ से ऑर्डर शिप हुए, उसका जो पूरा स्टेटस क्या था, वो मतलब उसका वो सेल रहा या फिर वो रिटर्न आया आपके पास या फिर वो RTO बन के आया, मतलब वो पूरा डेटा आपको समरी में मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपकी डिटेल डेटा रहेगा, जो CA को जरूरत पड़ती है, वो CSV फाइल में रहेगी। तो गाइज, मैं देख लेता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं दो अटैचमेंट मुझे मिले यहाँ पे, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने दोनों डाउनलोड कर लिया गाइज,
क्योंकि अगर मैं वीडियो में डाउनलोड करता तो आपको टाइम लगता समझने के लिए, मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, CSV फाइल जो CA के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो गाइस सबसे बेटर मुझे लगा कि इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें मुझे अलग अलग स्टेट वाइज डेटा बना के दिया, जबकि फ्लिपकार्ट अमेजोन ऐसा नहीं करता, वो आपको डेटा खुद ही बनाना होता है उसका सीट से डाउनलोड करके। इन्होंने मुझे डेटा सारा कम्प्लीटली अलग ही टैक्सेबल अमाउंट दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे IGST कितना लगा है, यहाँ पे नीचे नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है टोटल, वहाँ पर टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, और नीचे इन्होंने दिया है सारा डेटा कि अलग अलग स्टेट का कितना कितना परसेंट, कितना कितना चार्जेस, कितना कितना SGST IGST लिया इन्होंने, ठीक है, किस ऑर्डर पे, सारा इन्होंने एक साथ कनेक्ट करके हमें दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो गाइज आप ये समझ ही गए होंगे आपको CA को ये दोनों ही चीज़ फॉरवर्ड करनी है, ये वाला भी और जो दूसरा मैं अभी दिखाऊंगा वो वाला भी। तो ये तो आपका हो गया टैक्स इन्फॉर्मेशन डिटेल, ठीक है, SGST IGST आपका कितना लगा। दूसरी सीट में मैं आपको बता दूँ, इस सीट को मैं काट देता हूँ, दूसरी सीट में आपको जो समरी सीट थी वो ये थी आपकी, इसमें आपका सारा डेटा है, मान लो आपका ये ऑर्डर गया, ये इसका क्या चीज़ था, ठीक है, ये आपका सेल टाइप क्या रहा, सेल रहा या कैंसिल रहा या फिर रिटर्न आया आपके पास, तो जो भी है वो सारा यहाँ पे इसी सीट के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा, ये कितने रुपए में बिका, टैक्सेबल अमाउंट, इस पे GST कितना लगा, SGST कितना लगा, अगर कोई रिबेट आपको मिला तो कितना मिला, अगर कोई क्रेडिट इनवॉइस मान लो रिटर्न आया तो आपको क्रेडिट इनवॉइस मिला होगा वो कितने का मिला, लास्ट में आपका इसमें स्टेट किसी स्टेट से ऑर्डर था वो भी है, ठीक है। तो आपको दोनों ही सीट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है सीट, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप मेल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, तो समझ आपको आई गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों ही सीट आपको फॉरवर्ड करनी है अपनी CA को GSTR फाइल करने के लिए, अभी भी कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइज, थैंक यू। तो गाइज अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो मेरा मानना है कि वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको GST रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड की, जो हमें मेल रिसीव हुआ उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली। उसमें गाइज हमें दो सीट मिली एक्सेल की, जो एक्सेल सीट थी हमारी, एक थी हमारी सेल्स रिपोर्ट, एक थी हमारी GST रिपोर्ट, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट उन्होंने हमें पूरे मंथ का डेटा हमें प्रोवाइड किया, जिसमें हमारा ऑर्डर का स्टेटस था कि जो ऑर्डर हमने यहाँ से रिसीव किया वो हमारा कैंसिल था या रिजेक्ट मतलब रिटर्न था, जो भी था वो सेल्स रिपोर्ट है हमारी, ठीक है। और एक उन्होंने हमें GST का डेटा प्रोवाइड किया, जो कंप्लीटेड GST के बारे में जिसमें लिखा है, स्टेट वाइज उन्होंने दिया, ये मुझे बहुत बेस्ट लगा, बिकॉज बाकी कंपनी जो है वो ऐसा नहीं करती, वो हमें एज ए सेल्स रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कर देती है, लेकिन किस किस स्टेट में कितना था वो हमें पूरा डेटा बनाना खुद होता है, वो नहीं आता उसके अंदर, वो सीधे बनाता है आपका जब फाइल करता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने सारा कुछ क्लियरली मेंशन करके दिया कि आपका हरियाणा का स्टेट का इतना GST गया और इतना IGST गया यहाँ पे, मतलब इन्होंने स्टेट वाइज आपको डेटा प्रोवाइड करके दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो काफ़ी बेस्ट लगा, ठीक है गाइज। तो अगर आपने वीडियो को पूरा ही देखा तो आप समझ भी करेंगे, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करना, ठीक है गाइज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन आ रहा है उसको जरूर प्रेस करें, बिकॉज हमारी जो भी नई वीडियो रहेगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।